हर चीज में हम लोग को, हर डायबिटिक्स में एक चीज हम लोग को डर लगता है, जब उनका शुगर बहुत नीचे आ जाता है। शुगर जब कम होता है तो इनको बहुत ज़्यादा पसीना छूटता है, बहुत हंगर फील होता है, ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ जल्दी खाना चाहिए, चक्कर भी आ सकता है इसके साथ में, और कुछ लोगों को बहुत थकावट महसूस होता है। और ये ब्लड शुगर कम होने का ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि बॉडी में शुगर लेवल कम होने से जो ऑर्गन्स शुगर पर डिपेंडेंट है ताकत के लिए, वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे ब्रेन में शुगर नहीं होता है तो ब्रेन के तकलीफ हो जाता है, हमें कभी कभी चक्कर आ सकता है, बेहोश भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रोक जैसी चीज़ भी हो सकता है। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि भाई लो शुगर नहीं डेवलप हो, और डॉक्टरों का, पेशेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे डोसेज बराबर रहे ताकि ये लो शुगर कभी होए नहीं। और पेशेंट को ये चाहिए कि हम लोग 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ लाइट खाना खाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 खाने के बीच में बहुत लंबा अंतर हो, तो ऐसे लोगों में गोलियां काम करते रहता है, इंसुलिन काम करते रहता है, और इनके शुगर नीचे गिरने की संभावना है। और समझो कभी ऐसा लगा कोई पेशेंट को कि अभी हमारा लो शुगर होता है, पसीना बहुत होता है, बहुत भूख लगता है, तो कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। जैसे कॉफ़ी में थोड़ा शक्कर डाल के पी सकते हैं, एक पीस चॉकलेट खा सकते हैं, या कुछ भी नहीं मिला तो ग्लूकॉन सी के ग्लास में पानी पी के उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों में, और उसके बाद नोट करके ये कौन सा टाइम में होता है, किस हिसाब से होता है, अपने अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनके डोसेज का एडजस्टमेंट किया जाए।